Sunil Shetty, sir. Good evening, and over to you. Thank you. A very, very good evening to everybody. Or, बस इतना कहूँगा कि यस मिराकी का ब्रांड एम्बेसडर ज़रूर हूँ, लेकिन जब राम भाई पंकज सब मेरे पास आए थे तो मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि मैं जुड़ूंगा उस चीज़ से और इस चीज़ से अगर ये हरा रहे, ग्रीन रहे। तो आपने राजेश और नीता का वॉक थ्रू भी देखा होगा, डिज़ाइन भी देखा होगा, हर पेड़ को मार्क करके उसके इर्द गिर्द घर बनाया जा रहा है, न के पेड़ों को काट के घर बनाया जा रहा है। तो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ब्रांड एम्बेसडर हूँ लेकिन उतना ही इन्वॉल्व हूँ जितनी कोर टीम है, वेदर इट्स अनूप, वेदर इट्स ऋतिक, वेदर इट्स रामबाई, पंकज, राजेश, नीता, द एंटायर टीम, जितना वो लोग इन्वॉल्व है मैं भी इन्वॉल्व हूँ। क्योंकि जनरली क्या हो जाता है, ब्रांड एम्बेसडर जुड़ता है, अपना फोटो दे देता है और उसके बाद जर्नी खत्म हो जाती है। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आई स्टिक टू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट इट इज़ अ प्लेस वेयर ह्यूमंस एंड द बर्ड्स एंड द एनिमल्स लिव टुगेदर इन हार्मनी। सो द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम फॉर व्हाट दे हैव डन, एंड सोल्ड आउट हो ही जाएगा। I'm sure. I request now Mr. Ram to please come back on stage. It's a great photo opportunity and we cannot let it go. So go, click, click, click. The entire core team जो पहले आए थे, please एक बार फिर से थोड़े और कदम बढ़ा लीजिए स्टेज की ओर, your steps will be counted. That is, ladies and gentlemen, the Miraki Karjat family, the pillars of this dream project. I would also like to mention Vindu because Vindu's company, Sara Board, what he is a part of, is also involved in the homes that are going to be built. So, Vindu, all the best. Ramsan, Sunil sir, I request you to please stay on stage as the media would like to have a quick Q&A session with you. Getting into Q&A. So after this photo, start Q&A.
With that, we can start with our question and answer. Quick, rapid round. So please keep your questions ready. Anna here. Hi. Good to see you. बहुत मुश्किल से आप किसी ब्रांड का हिस्सा बनते हैं या किसी भी ब्रांड से अपने आप को एसोसिएट करते हैं. टेल मी द रीजन यू नो केम ऑन बोर्ड. व्हाट आर द थिंग्स अबाउट दिस कंपनी और द प्रोजेक्ट यू लाइक अबाउट इट. आई थिंक दो साल के पैंडेमिक के बाद, दो साल शायद खंडाला में रहने के बाद रियलाइज किया कि सेकेंड होम्स का मान्य क्या है, कि कैसे एक फैमिली को जोड़ के रखता. आई थिंक द वर्स्ट पीरियड में मैं अपनी बेस्ट लाइफ जिया हूँ. दो साल फैमिली के साथ, नेचर के बीच, एक दूसरे के तकलीफें समझते हुए, दिन रात एक साथ गुजारते हुए, और ये डेफिनेटली जानना कि नेचर कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. और आई थिंक इसीलिए जब राम भाई और ये लोग, पंकज और मेराकी की टीम मेरे पास आई और कहा कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है तो मैं जुड़ना चाहूँगा. मेरी अपनी खुद की एक छोटी सी कंपनी है, S2 रियलिटी, जो सेकेंड होम्स बनाती है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर जुड़े तो ऐसी जगह में जुड़े जहाँ सोच एक ही है, यू नो, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर का बनना ये नहीं है कि मैंने अपने आप का मेरा फोटो दे दिया और मेरा काम हो गया. आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ होल लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट द पीपल बिहाइंड द प्रोजेक्ट आर. तब मुझे लगा कि जुड़ना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, और बिना उन पेड़ों को हाथ लगाए अगर एक आर्किटेक्चुरल टीम में लेकर आ सकूं, जो जिनकी सोच वैसी है, तब जाके राजेश और नीता आए. विंदु, जिसकी कंपनी यू नो वुडन होम्स और सेकंड होम्स बनाती है पहाड़ों में, और दूसरी सारा बोर्ड, एक बहुत ही अच्छी कंपनी, तो उनका जुड़ना कहीं ना कहीं उन घरों को खूबसूरती देने में, मार्केटिंग में, अर्बन 5, बाकी की टीम. तो आई थिंक यू नो ओवर ऑल इन ऑल एक ऐसी कंपनी और ऐसे लोग जिनकी सोच मेरे सोच से मिलती थी. आई एम अ लवर ऑफ नेचर, एंड सिर्फ इसलिए. मिराकी के मायने क्या है, मतलब इफ यू कैन डिफाइन व्हाट मिराकी स्टैंड फॉर. डिवाइन, ब्यूटीफुल, एवरीथिंग दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. हम घर की बात करते हैं, मकान की बात करते हैं. अगर मैं घर की डेफिनेशन पूछूं कि भाई घर तो लोगों से ही, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट. एब्सोल्यूट, माँ, पिताजी, भाई, बहन, फैमिली, जॉइंट फैमिली, जो हिंदुस्तान की खूबी थी, वो मेरे लिए घर होता है. घर सारे कंक्रीट के घर होते ही एक ही घर होता है, लेकिन अगर हम नेचर के बीच में रहे और अपनों लोगों के साथ रहे, और यहाँ भी आप देखोगे तो बेसिक माइंडसेट ही ऐसा है कि प्रॉबेबली एक एंटरटेनमेंट एरिया एक ही है. बाहर जहाँ भी देखोगे आप, ग्रीन ही ग्रीन है. तो एक माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, तो विच मीन्स इट कैन ऑल्सो हेल्प मी कम बैक टू वर्क विद अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड. जब मैं सैटरडे संडे निकल जाता हूँ फार्म में, मैं करता कुछ नहीं हूँ, लेकिन अपने फार्म में बैठकर गार्डनिंग करूँगा, या बटरफ्लाई फार्म के बारे में सोचूंगा, बर्ड्स को कैसे ले आने, उनकी फीड क्या होनी चाहिए, पेड़ पौधे कौन से लगने चाहिए, हमारे इलाके के जो महाराष्ट्र के पेड़, वो कौन से पेड़ है जो बर्ड्स को इनवाइट करते हैं नेस्ट करने के लिए, सेफ्टी के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है. आप मुझसे पूछोगे तो मैं एनसाइक्लोपीडिया हूँ उसमें, यू नो, और ये मैंने सीखा नहीं है, मैंने पढ़ के देखा और एग्जीक्यूट करके देखा हुआ है. टारगेटेड ऑडियंस, यू नो, और जब मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ, यहाँ वैसे ही बहुत वर्क प्रेशर होता है हर लिहाज से. 8-8 घंटे शूट होते हैं, आउटडोर शूट होते हैं, और फिर एक वक्त आता है जब आदमी सोचता है कि यार कुछ सुकून के पल कहीं, यू नो, अच्छी जगह गुजारे जाए. तो बॉलीवुड से किसे आप इन्वाइट करना चाहेंगे कि आए और इसका हिस्सा बने, और यू नो, और समबडी हु कुड बाय दिस. आई थिंक दैट पंकज द मार्केटिंग जीनियस वुड बी एबल टू से बेस्ट. कि मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि फैमिलीज को टारगेट करनी चाहिए आप लोगों को. मैं कोई ज्ञान देने वाला नहीं हूँ, लेकिन फ्रॉम अ पर्स्पेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट, मैं चाहूँगा कि जो मेरी इंटरेस्ट है वो उसमें दिखाई दे. एंड दैट इज़ वाई द चॉइस ऑफ पीपल. बट आई थिंक एनी बडी हु वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम विथ हिज फैमिली, और जैसे कहते हैं मी टाइम, खुद के लिए वक्त निकालना, अपने आप में एक रियलाइजेशन होना कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो किसी और पे कैसा इम्पैक्ट होगा. वो जिसकी सोच है वैसे लोग यहाँ बसे तो बहुत ही अच्छा होगा.
हेलो सुनील सर, नेहा देसाई फ्रॉम आज तक. सर, आपने एक्टिंग के साथ बिजनेस का एक बैकअप प्लान करके बहुत लोगों को एक मतलब एक रास्ता दिखाया है, तो एक एक्टर के लिए बैकअप प्लान का होना कितना मतलब ज़रूरी है? मैं एक बिजनेसमैन पहले था, फिर एक्टर बना. मैं 15 साल की उम्र से अपने पिताजी के साथ उनके रेस्टोरेंट में काम करता रहा, और उस रेस्टोरेंट की मेहनत के वजह से मुझे एक्टिंग में मौका नहीं कहूँगा लेकिन एस्टैब्लिश होने का मौका मिला, क्योंकि मेरे लिए अतिथि देवो भव था. मेरे लिए काम करना नॉर्मल था, तो देर वॉज नथिंग स्पेशल. आज भी मैं एक एक्टर होते हुए भी एक आम इंसान हूँ, क्योंकि नथिंग बॉदर्स मी. यू नो, सक्सेस फेलियर फ्राइडे टू फ्राइडे आता रहता है, लेकिन मैं काम के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ. मैं उतना ही एक्साइटेड 30 साल पहले भी था और आज भी हूँ. आई थिंक बींग अ बिजनेसमैन एंड एन एक्टर, और आई वुड से लेबरर एंड एन एक्टर, हैज हेल्प मी सर्वाइव. और आज ऑफकोर्स सभी लोग देखते हैं कि फ्राइडे टू फ्राइडे का दौर है, लेकिन एक खराब फ्राइडे का मतलब ये नहीं कि मैं सर नीचे रख के चलूँगा. मैं सर उठा के ही चलता हूँ हमेशा. सो आई थिंक दैट्स वेर आई कम फ्रॉम. हेलो, या दिस इज मिस्टर कीर्ति कदम फ्रॉम सिनेबस्टर. आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क, वॉट विल द कॉस्टिंग फैक्टर, लाइक हु आर योर टारगेट कस्टमर्स? आई एम द ब्रांड एम्बेसडर. द बैंड एम्बेसडर इज जो बैंड बजाएगा और बताएगा कि प्राइस क्या है और सब कुछ क्या है. आई थिंक पंकज विल बी द बेस्ट गाय टू आंसर दिस. सुनील सर, मेरा सवाल ये है, लंबे वक्त से आप फिल्मों से दूरी बनाए हुए, ऑडियंस वेट कर रही है आपको बड़े पर्दे पर देखने के लिए, तो किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत कुछ कर रहा हूँ. आई थिंक आई हैव रीडिस्कवर्ड माई सेल्फ इन द लास्ट 2 ईयर्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. एक प्रोजेक्ट मैं हाल ही में कम्प्लीट किया हूँ फॉर जी स्टूडियोज एंड फॉर MX प्लेयर. इट्स कॉल्ड धारावी, जो कंप्लीट हो चुकी है. दूसरी प्रोजेक्ट मेरी सारेगामा के साथ, यूडली फिल्म्स के साथ इज ऑन. इट्स कॉल्ड हंटर द इनविजिबल वुमन. तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स है जो आई थिंक इट शुड बी इन द पाइपलाइन. फुल टाइम काम कर रहा हूँ. यस, कैन वी हैव द लास्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज? सेकंड लास्ट. हेलो सुनील सर, अगेन नेहा सर, अभी जिस तरीके से साउथ की फिल्मों ने एक डोमिनेशन क्रिएट किया है और एक टेंशन क्रिएट किया है बॉलीवुड को लेकर, अभी वो पैन इंडिया को लेकर एक डिबेट सा आ गया है, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? अबाउट व्हाट? अबाउट द डिबेट इज गोइंग ऑन अबाउट पैन इंडिया साउथ, और साउथ वर्सेस बॉलीवुड जैसा एक सीन क्रिएट हुआ है वो द सोशल मीडिया. आई थिंक वो सीन क्रिएट किया गया है सोशल मीडिया पे. वी आर इंडिया, एंड आई थिंक विद द कमिंग ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म, आपने रियलाइज किया होगा कि लैंग्वेज डजंट मैटर, इट्स द कॉन्टेंट दैट मैटर्स. एंड आई थिंक वैसा ही सीन है. बॉलीवुड और साउथ का फर्क यही है. आई मीन आई कम फ्रॉम द साउथ ऑल्सो, बट मेरी कर्मभूमि मुंबई है, तो आई विल ऑलवेज से आई एम अ मुंबईकर. द फैक्ट इज द ऑडियंस ये डिसीशन ले रही है कि कौन सी फिल्म उन्हें देखनी चाहिए देखनी नहीं चाहिए. मेरा प्रॉब्लम एक ही है कि समवेयर डाउन द लाइन वी फॉरगॉटन द ऑडियंस. वी हैव नॉट केटरिंग टू देम. समवेयर डाउन द लाइन हीरोइज्म हैज मूव्ड आउट, हीरो नहीं रहे, यू नो. एंड सिनेमा इज ऑलवेज, हमेशा मुझसे लोग कहते हैं कि सिनेमा या OTT, बाप बाप रहेगा, बाकी के फैमिली मेम्बर्स रहेंगे. तो आप फिल्मों के बारे में नहीं सोचेंगे. 70% ऑफ इंडिया इज एन ऑडियंस दैट जो सीटी बजाती है. हीरो का शॉट बैक शॉट होता है, हाई स्पीड वॉक होती है. सो आई थिंक इट इज द कॉन्टेंट दैट नीड्स टू वर्क. एंड बॉलीवुड हमेशा बॉलीवुड ही रहेगा. ऑल इंडिया में पहचानेंगे तो बॉलीवुड के हीरोज को तो पहचान ही लेंगे ना. तो आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम. आई थिंक एक ऐसी जर्नी है जहाँ हमें दोबारा सोचना है and to give better content. Finally, content is king, whether it's south, north, east, west, doesn't matter. Sunil sir, Samina here from Times of India. On your left, here. Yeah, Samina. Yeah. So there are 2 questions which I have. One is about recently actors were being questioned
for promoting tobacco on social media, and you know there was a lot of ruckus about it. Even you got dragged. I want to know your take on that. And apart from this, a lot of rumors have been coming around Athiya Shetty getting married. What are your thoughts on that? She's a daughter. She will get married sometime. I would want my son also to get married. The sooner the better. And their choice. And, you know, as far as Rahul is concerned, I love the boy. And it's for them to decide what they want to do. Because times have changed. You know, beti beta jitna hi responsible bhi hai. So I'd like them to take that decision. My blessings are always there. You know, and as far as tobacco comes goes, meri zindagi mein aaj tak, you know, log kehte hain ki aap 61 ke hue yaar aur boodhe nahi ho rahe ho. Boodha nahi ho raha hu isi wajah se ki nahi paan tambaku har wo cheez jo mujhe lagta galat hai main nahi consume karta. Aur log sharab bhi peete hain aur shayad mujhse zyada jiyenge bhi. So I think to, you know, each one to his own. शराब बिकता है इसलिए उसकी एडवर्टाइजिंग होती है. तंबाकू बिकता है इसलिए उसकी एडवर्टाइजिंग होती है. तो आई थिंक ईच वन जिनको नहीं इस्तेमाल करना, आई थिंक वी शुड रिफ्रेन. आई रिफ्रेन फ्रॉम एवरीथिंग. फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ होता है, मैं आई स्टे अवे फ्रॉम इट. बट दैट डजंट मीन आई एम अ सेंट. मैं ना ही भगवान हूँ ना ही सेंट हूँ. बहुत सारी खामियाँ मुझे मेरी में भी है. बट That's why I don't like to comment. हाँ, मेरे नाम से किसी ने ट्वीट किया था और कहा था कि आप इंडिया को बिगाड़ रहे हो, कैंसर इंडिया बना रहे हो, बच्चे को गलत सिखा रहे हो. तो मैंने उसको खाली, क्योंकि वो चश्मा पहना हुआ था उसके डीपी पे, तो मैंने कहा कि बेटा चश्मा बदल दे या नंबर बदल दे, क्योंकि तुझे दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं हूँ. सो दैट्स द ओनली थिंग आई सेड. और वो भी एडवाइस ही था. मैंने उसे बेटा या भाई ऐसे भी कुछ कहा ना, गाली दी कुछ की. सो दैट्स वाई. सो आई थिंक ईच वन इज ओन. You know, और मैं ज़्यादा मीठा भी नहीं खाता, मैं ज़्यादा खाना भी नहीं खाता. तो मतलब मैं सही और दूसरे गलत है, वो मैं नहीं कहूँगा. You know. Last question, please. Absolute last question. सुनील जी, आपके ठीक सामने, you know, अब ऐसा टाइम चल रहा है कि 100% ऑक्यूपेंसी के साथ में थिएटर भी चालू हो चुके हैं. एंड आहान जी की जब फिल्में आई थी तो लाइक पैंडमिक था एंड लोगों ने बहुत ही अप्रिसिएट की थी ये फिल्म. लोगों को बहुत पसंद भी आई. लोगों को उनकी नेक्स्ट फिल्म का इंतजार है, तो कुछ आप यहाँ पर बताएं. या डेफिनेट प्लानिंग है. आई थिंक यू नो, क्योंकि पैंडेमिक था, हम सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन आई थिंक बिटवीन 2 और 3 सब्जेक्ट्स आहान की फिल्म जल्द शुरू होगी. आई थिंक समटाइम अगस्त में शुरू होगी और अर्ली नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग है रिलीज की. एक अच्छी फिल्म है. बस शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा सबका, मीडिया का, लोगों का. सभी लोगों ने उसे इतना प्यार दिया. 50% ऑक्यूपेंसी होने के बावजूद आई थिंक ही डिड प्रीटी वेल फॉर अ फर्स्ट फिल्म. आहान के लिए अच्छा रहा. तो आई थिंक ही हैज गॉट द ब्लेसिंग्स. बाकी उसकी मेहनत. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू सो मच सुनील सर. वुड एनीवन एल्स लाइक टू? Yes, we'll do some Janta Bites. I'd like to call the media up ahead. Tu khud Janta Bite bol. Bites, bites. Janta maine nahi bola. Thank you for that wonderful, wonderful conversation. And with that, ladies and gentlemen, we bring to you Mirren Acres, your home away from home. Get ready to build. Thank you so much. Thank you, and all the best once again to Meraki Karcha. Thank you once again to each and every one of you for being here this evening. It means the world to us. Good night. See you all at the launch. Once again.